महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर विवाद पूरे देश में फैल चुका है और इस मामले पर एक तरफ जमकर राजनीति हो रही है तो अब इस मामले के लिए कुछ लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। ऐसे में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है तो क्या कहना है कोर्ट का, आइए देखते हैं। देश में इस वक्त लाउडस्पीकर विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में जमकर बहस हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस सियासी कोहराम के बीच इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी आई है। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग करना मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग की गई थी। हालांकि ये मामला अभी का नहीं है, लेकिन इस वक्त ये विवाद सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में इस वक्त कोर्ट की इस टिप्पणी का आना काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल बदायूं के बिसोली गांव स्थित एक मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान करने की मांग की एप्लीकेशन एसडीएम को दी गई थी। 3 दिसंबर 2021 को एसडीएम ने लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। एसडीएम के इसी आदेश को इरफान नाम के युवक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके चुनौती दी थी, लेकिन अब याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के ऐलान के बाद से ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब पूरे देश में फैल चुका है और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में इस मामले को ज्यादा तूल दिया जा रहा है। खासकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो सीएम योगी ने 21 अप्रैल को आदेश दिया था कि किसी भी लाउडस्पीकर की आवाज कैंपस से बाहर नहीं आनी चाहिए, जिसके बाद 30 अप्रैल तक यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए 45,773 लाउडस्पीकर को हटा दिया गया। वहीं 58,861 लाउडस्पीकर की आवाज़ धीमी कर दी गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।